दांत और मसूड़ों का स्वस्थ होना हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप या फिर पतंजलि दंतकांति? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय मार्केट में ऐसे कौन से टूथपेस्ट है जो कि आपने यूज़ करना चाहिए। तो आइए चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से टूथपेस्ट है। तो मैंने इन टूथपेस्ट को मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस के बेसिस पर मैंने इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विच इज़ द बेस्ट इंडियन टूथपेस्ट। तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट में आते हैं कमर्शियल टूथपेस्ट, जैसे कि कोलगेट, पेप्सोडेंट और क्लोजअप। ये जो टूथपेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर की मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल इसे यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट का दूसरा ही नाम हम क्या करते हैं, कोलगेट कहते हैं। तो ये जो कोलगेट है वो ज़्यादातर के लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कोलगेट आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वो आपके बॉडी को हार्म करते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है वो आपके बॉडी में अल्सर क्रिएट करता है। अगर आप ज़्यादा इस कोलगेट का अगर यूज़ करते हो तो आपको आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, आपको माउथ अल्सर हो सकता है, या फिर आपको स्टमक अल्सर यहाँ पर हो सकता है। इसलिए जिस भी टूथपेस्ट पर सोडियम लॉरेल सल्फेट प्रेजेंट होता है वो सारे टूथपेस्ट आपको फेंक देने। इसलिए ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये आपको क्या करने है, अवॉइड करने। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट को चेक करना है, अगर उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट अगर आपको दिखाई देता है तो आपको उसको फेंक देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है वो क्या करता है, आपके लंग्स, लीवर्स और आपके स्प्लीन पर ये क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और आपके बॉडी को ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी करता है, वहाँ पर वो सेल को डैमेज करके वहाँ पर अल्सर क्रिएट होता है। तो ऐसे टूथपेस्ट को यूज़ ना करें। इसलिए मैं इस कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो टूथपेस्ट है उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो अदर जो टूथपेस्ट है जैसे कि पतंजलि दंतकांति, पेप्सोडेंट, इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, माना कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, जो क्या करता है, टूथ डिके को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर फ्लोराइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे बॉडी के लिए कॉज करता है। इसलिए टूथपेस्ट पर वार्निंग दी होती है कि इससे ज़्यादा यूज ना करें या फिर इसको सॉलो ना करें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टूथपेस्ट खाते हैं, तो उन्हें ऐसे जो पेस्ट होते हैं वो उन्हें ना दें। तो ये जो कैटेगरी नंबर फर्स्ट होते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट या फिर जो फ्लोराइड होता है या फिर जो आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं या फिर जो एडेड प्रिजर्वेटिव होते हैं और जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उससे आपको बॉडी टॉक्सिक हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर टू। कैटेगरी नंबर टू में आते हैं डाबर लाल पेस्ट, उसके बाद उसमें आते हैं रेड टूथपेस्ट, उसके बाद उसमें आते हैं हिमालय टूथपेस्ट। ये जो टूथपेस्ट होती है उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें जो फ्लोराइड होते हैं उसकी भी मात्रा कैटेगरी नंबर फर्स्ट से कम होती है। इसलिए कैटेगरी नंबर फर्स्ट के अलावा आप कैटेगरी नंबर सेकेंड के जो टूथपेस्ट है वो आप यूज़ करते हो, लेकिन मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव या फिर और कलरिंग एजेंट इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो क्या करते हैं, आपको अल्सर क्रिएट करते हैं। इसलिए इन प्रोडक्ट को आप कम मात्रा में ही यूज़ करें। कैटेगरी नंबर वन के अलावा कैटेगरी नंबर टू के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैटेगरी नंबर थ्री के टूथपेस्ट, जो कि एक बेस्ट टूथपेस्ट है, जिसमें आते हैं विको का टूथपेस्ट और बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा टूथपेस्ट, बायोमेड प्रोपेलिन टूथपेस्ट और बेंटोडर्न अर्थली नेचुरल टूथपेस्ट, जिसमें अगर आप इसके इंग्रेडिएंट को अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया गया नहीं है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट को चेक करोगे तो आपको नो फ्लोराइड, नो
नो सोडियम लॉरेल सल्फेट, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो कलरिंग एजेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम कैटेगरी नंबर 3 के जो टूथपेस्ट है अगर उसके इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो इसमें फुल्ली 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल इसमें डाला गया है, उसमें पिपरमिंट मेंथोल इसमें डाला गया है, स्टीविया इसमें डाला गया है। और ये जो इंग्रेडिएंट है फुल्ली नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर नहीं करते, इसलिए मैं ये कैटेगरी नंबर 3 के टूथपेस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप विको दंत मंजन, विटोबा दंत मंजन या फिर डाबर लाल मंजन यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो मंजन है इसमें इसेंशियल ऑयल इसमें आपको ऐड करने है और ये इस पेस्ट को इस मंजन को आपको क्या करना है, आपके मसूड़ों पर रब करना है, जिससे क्या होगा आपकी ओरल हेल्थ अच्छी हो जाएगी और इसमें जो हमारे मुँह में जो वेंस प्रेजेंट होती है जिससे क्या होता है वो वेंस एक्टिव हो जाएंगी और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप हफ्ते में एक बार नीम के पत्तियों से आप नीम की पत्तियाँ चबा कर खा सकते हैं या फिर उस नीम के जो लकड़ियाँ होती है उससे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना मुंह को क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो। कैटेगरी नंबर 3 में जो मेंशन प्रोडक्ट्स है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। कौन से भी टूथपेस्ट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट को ज़रूर चेक करें, बाद में ही उस प्रोडक्ट को चेक करें। अगर उसके इंग्रेडिएंट में सोडियम लॉरेल सल्फेट, फॉस्फेट, एडेड प्रिजर्वेटिव अगर होते तो उस पेस्ट को आप यूज़ ना करें। जाते जाते मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है जो कि मैंने रिसर्च करके पता किया है। मैं किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ या फिर किसी भी ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है या फिर किसी भी ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो चलो मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।